बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये रात का टाइम था तो बच्चों ने ज़िद की हुई थी कस्टर्ड की और जेली की, तो मैंने फिर कस्टर्ड जेली बनाई थी। कस्टर्ड जेली वैसे ही सबको पता है कैसे बनाते हैं, इसमें कोई दिखाने वाला या बताने वाला तरीका तो नहीं है। तो वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी मतलब चैनल पर ना रेसिपीज़ हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने कस्टर्ड जेली बनाई थी और बच्चों के लिए भी मैंने ना ये ग्लास में मुझे डाल के खाने का बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने अपने लिए 2 ग्लास 2-3 बना लिए थे। बाकी मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बोल में डाल दिया था। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से जिस तरह जिसने खाना होगा वो खा लेगा, तो अगर किसी बच्चे ने ग्लास लेना होगा तो ग्लास ले लेगा। ये हस्बैंड मैंगो ले के आए थे तो वो मैंने धोए थे, लेकिन मैंगो वो इतने खास नहीं लेके आए थे, मतलब मुझे पसंद नहीं आए थे। लेकिन आम तो आम होता है, मतलब अच्छा हो या बुरा हो वो तो मैंने खाना ही खाना है। तो थोड़े से दाग दाग लगे हुए थे मैंगो पे, लेकिन फिर भी मैंने धो के रख लिए थे। तो ये कस्टर्ड के मैंने 2 बोल बनाए थे, क्योंकि एक बोल में गुजारा नहीं होता। हस्बैंड को ज़्यादा मतलब कस्टर्ड पसंद है, वो तो यही कहते हैं कि डेली कस्टर्ड बना लिया करो, लेकिन ये है कि फिर डेली बंदा नहीं भी इतने काम कर सकता। तो मैं फिर 2 बोल बना लिए थे, मैंने कहा चलो। उनका ये होता है कि उनको नाश्ते में भी कस्टर्ड वगैरह ही मिल जाए तो बस ठीक है। तो ये मैं उनके लिए डाल डाल के ना रख रही थी बोल वगैरह में, और वैसे तो ये मैंने उनको डाल के दिया था, बच्चों को दिया था, सबको दिया था। तो उसके बाद फिर जो है ना मैंने चावल वगैरह बनाए थे। नेक्स्ट आप चावलों की रेसिपी देख लें। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जी व्यूवर्स ये देखें, कल मैंने बनाए थे बैंगन आलू, ये बैंगन आलू की सब्ज़ी है। कल शाम में बनाए थे मैंने 6 बजे के करीब, क्योंकि मैं कल लेट हो गई थी, अम्मी अबू आए हुए थे तो खाना लेट बना था। ये चावल बनाए थे, चावल कुछ ज़्यादा बन गए थे, सब्ज़ी कम थी, तो चावल काफ़ी बच गया। तो मैंने इनको अब रीयूज़ेबल करना है, तो मैं आपको बताऊँगी कि इनको रीयूज़ेबल कैसे करना है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो फिर मैंने सालन पड़ा हुआ था लेकिन कम है सालन, तो मैंने सोचा फिर चावलों का ही कुछ कर लेते हैं। वैसे तो ये है कि अगर आप इसको चावलों को दाल बना ले तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं खा सकते, दाल पहले भी बनाई जा चुकी है, मैं एक दिन पहले दाल बनाई थी, अब कल आलू बैगन बनाए थे, आज मैं फिर से दाल बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ छोड़ कर लेते हैं। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं, अलग से पड़े हुए हैं वाइट चावल, फ्रिज में रखे हुए थे, निकाल के बाहर रखे हैं, बस और कुछ नहीं किया, अभी निकाल लिया मैंने। और ये मैंने एक पैन लिया है, पैन का पैंदा ख़राब हो गया हुआ, इसको वाइट करना प्लीज़, ठीक है। तो ये मैंने देखे थोड़ी सी सब्ज़ियाँ काटी हैं, घर पर पड़ी हुई थी, बंद गोभी थी घर पर, प्याज था, हरी मिर्चें थी और अदरक है, ठीक है। पहले मैं अदरक और हरी मिर्चें डालूंगी इसके अंदर, ऑयल के अंदर। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक बारीक काटी हैं, और जो अदरक है ना मतलब थोड़ा सा लिया है और उसको चॉप कर लिया मैंने, मतलब मैश कर लिया, सिलबट्टे पे कर लें, ग्रेटर के साथ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा ये 2 मिनट के लिए ब्राउन होता है ना, उसके साथ मैं इसमें प्याज डाल दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसको हिला के ऐसे हल्का सा प्याज डाल देंगे इसके साथ ही, ठीक है। और ये चावल जो है ना बड़े अच्छे बनेंगे, वेजिटेबल राइस टाइप ही। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहें, आलू डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर ये है कि मेरे पास टाइम भी कम है, और सॉरी प्याज नहीं कह रही थी मैं, आलू कह रही थी, और टमाटर अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, टमाटर मैं खुद नहीं डाल रही, टमाटर हैं घर पर, लेकिन उनके साथ ना टेस्ट थोड़ा फिर सौगी सा हो जाता है, तो मुझे भी पसंद नहीं है, टमाटर उसमें मैश हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर शिमला मिर्च हो आप वो डाल लें, मटर हो वो डाल लें, इस तरह करके। लेकिन मटर फिर शर्त यह है कि गली हुई होनी चाहिए, आलू भी गले हुए होने चाहिए पहले से, फिर उनमें टेस्ट आएगा, नहीं तो फिर आपको पकाते हुए टाइम लग जाएगा। तो कोई भी आपके पास सब्ज़ी अगर बची पड़ी हुई है तो आप इस तरह उसको मिक्स करें अच्छे तरीके से, प्याज को मैं बस मिक्स करूँगी, थोड़ा सा लाइट सा होता है ना, फिर इसमें हम जो है ना अपने मसाले जो हल्के से हमने डालने हैं, और ये बात गोभी वो डालेंगे फिर। जी ये देखें प्याज फ्राई होने तक, प्याज तकरीबन फ्राई हो गए हैं, प्याज फ्राई होने तक मैंने यहाँ पे मसाले इकट्ठे कर लिए। मसाले में नमक, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेड और मोस्ट फेवरेट है मेरा, और थोड़ी सी हल्दी, बंद गोभी, ये सारा कुछ अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, सारे मसाले भी साथ में, और ये भी सारा
ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी तो वैसे भी गली गलाई होती है, इसको कुछ ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से करके सोते करेंगे थोड़ा सा। इसको करने के बाद ये मेरे पास दो एग है, ठीक है, ये मैं इनको बनाना है एग्स को, तो ये आप अलग से बनाएंगे। दो मैंने दिए हैं, इसमें मैंने नमक डाला है। अगर आप चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से दीजिएगा, अगर आपके पास एक प्लेट चावल है तो एक अंडा ले लें, दो प्लेट है तो दो ले लें। मेरे पास ज़्यादा चावल थे तो मैंने दो अंडे ले लिए हैं, ठीक है। अब बस ये सौते होने वाली हैं। अब मैं जो है ना इसका चूल्हा कम करूँगी और अंडों को बना लूँगी। अंडों को हम सेपरेट एक तवे पर बनाएंगे, तवा मैं रख रही हूँ ऊपर। अंडे में मैंने नमक डाला हुआ था तो तवा मैंने रखा, ऊपर घी डाला, थोड़ा सा गर्म किया और अंडे डाल दिए। जैसे ही अंडे पके हैं ना, मैंने ऐसे हल्के हल्के से मैश कर लिए हैं। मैश करने का मकसद ये था कि यहीं पे छोटे छोटे उनके पीसीज हो जाएं, अलग से हमें इनके पीसीज ना करने पड़े, तो मैंने यहीं पे इनके छोटे छोटे से पीसीज कर लिए। नमक डालना ज़रूरी है, नहीं तो टेस्टलेस हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम लोग चावल। थोड़े थोड़े करके चावल डाल के साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे, साथ ही अपने अंडे भी शामिल करेंगे, इसमें सोया सॉस वगैरह भी शामिल करेंगे। जी ये देखिए अंडे डाल लिए मैंने और इसको मिक्स कर लिया सारा, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब हम इसमें सॉसेज वगैरह डालेंगे। ये डाला है मैंने थोड़ा सा रेड चिली सॉस, ठीक है, और इसके बाद हम डालेंगे सिरका। जी फ्रेंड्स ये देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपके घर भी इसी तरह वाइट चावल पड़े हुए हैं तो आप इनको रीयूजेबल कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपना मतलब वीडियो का एंड करती हूँ, ठीक है, देखें। जी जनाब ये देखें दम मैंने उतार दिया है और चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी इसी तरह चावलों को रीयूजेबल कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, और बड़े ही टेस्टी से लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बने भी अच्छे होंगे। तो ये मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ, ये देखें। आप इनको अंडा पुलाव कह सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव कह सकते हैं, कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं आप लोग, चाइनीज़ चावल बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।